तो हेलो गाइस, आज आ गए एक नया वीडियो लेकर। और आज का वीडियो बनने वाला है, आप थंबनेल देखकर समझ ही जाएंगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर बनने वाला है। आज का वीडियो बनने वाला है कि मैंने आपको दिखा था, मैंने आपको बोला भी था कि एक वीडियो आने वाला है जिसके में ऑस्कर का जो सेटअप है, इसका जो कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे इसका क्या लिया जाता है, तो इसके ऊपर में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो उसके ऊपर ही है। आज मैं आपको बोलने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अगर आप एक नया ऑस्कर रखने वाले, आपका टैंक बैग ऑस्कर या फिर कोई भी आपका सेंट्रल अमेरिकन थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज का कोई चीज़, जैसे आपका वीएजा हो गया, पिकॉक बैस, तो इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फास्ट पॉइंट ऑस्कर के लिए, फास्ट पॉइंट जो आता है वही है कि उसका टैंक साइज़ क्या होना चाहिए। टैंक साइज होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टैंक, आप देखिए ये जो आप टैंक देख रहे हैं, इसका साइज़ है आपका 3 फीट साइज़ है, और ये 1.5 फीट का विथ है, मतलब चौड़ाई है 1.5 फीट का, और 1.5 फीट का हाइट भी है इसका। देखिए आप, ये जो टैंक है इसमें अप्रोक्स 45 गैलन से, इसमें मैंने 2 ऑस्कर मतलब रखा है, मगर अगर आइडियल साइज़ बोले तो ऑस्कर का आइडियल साइज़ है आपका ऑलमोस्ट 55 गैलन्स। हाँ, 55 गैलन्स मिनिमम ऑस्कर रखने के लिए मिनिमम साइज़ होना चाहिए टैंक का। इसका मतलब आता है कि ऑलमोस्ट 4.5 फीट का टैंक होना चाहिए ऑस्कर रखने के लिए। ऑलमोस्ट 4.5 फीट का लेंथ होना चाहिए, कि ये लेंथ 3 फीट है मेरा, इसको होना चाहिए 4.5 फीट, मतलब इतना सा हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसका लेंथ होना चाहिए 4.5 फीट, एंड हाइट जो है 1.5 फीट हाइट में हो जाता है, और जो विथ है उसको थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 फीट अगर विथ हो जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑस्कर अभी आप देख रहे हैं कि ऑस्कर का साइज़ बहुत छोटा है। पहले मतलब जब फर्स्ट आते, तो मे भी जब मेरा ऑस्कर लिया था तो बस 2 इंच 2.5 इंच का था ऑस्कर, तो अभी जाके ऑस्कर अभी हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी टैंक के सामने में ही है, वही ऑस्कर का साइज़ हो गया है ऑलमोस्ट आपका 4 इंच तक तो हो ही गया है। हाँ, ऑलमोस्ट 4 इंच उसका साइज़ हो गया है अभी, और इसका और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा 1 ईयर के अंदर में। ऑस्कर ऑलमोस्ट 1 फीट तक ग्रो कर जाता है, 10 इंच तक ग्रो कर जाता है इसमें। हाँ, तो इस टैंक के लिए एक पेयर ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहेगा। वैसे मेरा दूसरा कोई टैंक्स मेट्स भी है, जिसमें चॉकलेट है मेरा, रेनबो चिचलेट्स है, और ये सब बहुत सारे और अदर्स भी मेरा प्लान है कि कुछ वीजेस में एक दो वीजेस स्पेसिस डालने का, तो एक अच्छे से एक सेंट्रल अमेरिकन एक कम्युनिटी टैंक भी हो जाएगा, और कुछ एक कॉमन प्लेको है मेरा, देखिए एक कॉमन प्लेको भी है मेरे टैंक में। और दूसरा जो फीडिंग का, जब टैंक से सबको समझ में आ गए, तो ये टैंक से है। दूसरा जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो है कि आपका आता है फीडिंग। तो ऑस्कर का आपका टैंक साइज होगा, इसके बाद इसका फीडिंग आता है। फीडिंग क्यों आता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ऑस्कर में, क्योंकि फीडिंग ऑस्कर को थोड़ा हाई क्वालिटी का फीडिंग लगेगा, मतलब एटलीस्ट 40% प्रोटीन होने वाला है ऐसा फूड। जैसे मैं पर्सनली मैं हिकारी फीड कराता हूँ ऑस्कर्स को, तो हिकारी सिंकिंग गोल्ड नाम का एक फूड आता है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वो वाला फूड मैं कभी अभी मतलब प्रेजेंटली मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, साथ में ऑप्टिमम 3 इन 1 है, मैं उसको भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फूड है ऑप्टिमम 3 इन 1, इसको मैं करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। देखिए ये एक दूसरा से मैं कंटेनर में मैंने डाला हुआ है इसको, ये देखिए ये जो प्लेट में है ये है ऑप्टिमम 3 इन 1 है, इसको मैं करेंटली यूज़ कर रहा हूँ। और अभी जो हिकारी सिंकिंग गोल्ड जो प्लेट था वो अभी ख़त्म हो गया है, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको जब भी वो अवेलेबल होगा तो मैं उसको ले आऊँगा और उसको मैं खिलाना शुरू कर दूँगा। अभी के लिए ऑप्टिमम 3 इन 1 भी बहुत अच्छा फूड है। तो हिकारी के लिए हर वक्त कोशिश कीजिए कि फूड, इसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो टैंक में फिल्ट्रेशन भी अच्छा देना पड़ता है। जो भी आप फूड खिलाए तो इसका वेस्टेज जो पूप्स होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, टैंक में फिल्ट्रेशन ज़्यादा दीजिए। अगर हो सके तो कैनिस्टर फिल्टर यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपका 3 फीट या फिर 3.5 फीट का टैंक है तो उसमें टॉप फिल्टर से भी काम चल जाता है। ठीक है, और हो गया आपका फिटिंग, हो गया टैंक साइज हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो इसका फिल्ट्रेशन। हाँ, फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैंक में। फिल्ट्रेशन कैसे दिया जाए, ऑस्कर प्रेफरेबल है कि आप ऑस्कर को रखिए मिनिमम 3 फीट का टैंक में। अगर 3 फीट में अगर हो जाता है एक पेयर ऑस्कर, आप अगर सिंगल एक पेयर रखना चाहे तो 3 फीट में काम हो जाता है, 3 फीट में वो लोग आराम से रह सकते हैं। फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा दे दीजिए, और 3 फीट में वो लोग अप्रोक्स 1 फीट तक तो ग्रोथ कर ही जाएगा, और 1 फीट ना हो एटलीस्ट 10 इंच तक तो ग्रो कर जाएगा। ये जो ऑस्कर आप देख रहे हैं, ये बहुत ये जो ऑस्कर है यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में है सर, या फिर थोड़ा डर गया है जो भी हो, तो ये जो ऑस्कर से वो अभी थोड़ा सा
डर गया है, वीडियो हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसे डर के बैठा हुआ है, सब चुपचाप हो गया बहुत ज़्यादा। तो ऑसर्स के लिए मिनिमम जो टैंक रिक्वायरमेंट है वो आपका 3 फीट, मिनिमम 3 फीट बाई 1.5 फीट होना चाहिए टैंक में। तो इसमें क्या हो रहा है कि फिल्ट्रेशन आप टॉप फिल्टर से काम हो जाएगा। देखिए मेरा फिल्टर है, ये मेरा टॉप फिल्टर है, ये देखिए यहाँ पे मेरा टॉप फिल्टर से अभी के लिए 3.5 फीट में टॉप फिल्टर से काम चल जा रहा है। अगर यही टैंक आपका 4 फीट हो जाएगा तो 4 फीट में टॉप फिल्टर में सजेस्ट नहीं करूँगा, आप सैम्प यूज़ कीजिए या फिर कैनिस्टर यूज़ कीजिए। और आइडियल अगर साइज़ बोले तो आइडियल साइज़ है आपका ऑस्कर्स के लिए मिनिमम 5 बाई 2 फीट का टैंक। इसमें हम एक सेंट्रल अमेरिकन का एक अच्छा से कम्युनिटी टैंक बना सकते हैं, मॉन्स्टर कम्युनिटी टैंक बना सकते हैं। इसमें आपका ऑस्कर हो गया, आर1 पीकॉक बेस रखिए, उसमें एक पेयर पीकॉक बेस रखिए, एक पेयर ऑस्कर रखिए, आर1 रखिए, और दूसरे को सेंट्रल अमेरिकन जैसे आपका रेड टेरर हो गया, ग्रीन टेरर हो गया, कोई चीज़ अगर अच्छा लगे आपको सेंट्रल अमेरिकन में तो उसको रखिए एक साथ मिला के, तो अच्छा ही होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका फिल्ट्रेशन हो गया, फीडिंग और टैंक साइज। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो है आपका टैंक फिल्ट्रेशन। तो उसके बाद आता है कि इसका पर्सनल बिहेवियर, ऑस्कर का पर्सनल बिहेवियर कैसा होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसा होता है ये फिश। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं आज से मैं ऑस्कर नहीं रख रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से ही मैंने ऑस्कर रखा है, पहले भी मैंने रख चुका है बहुत दिनों तक। तो मैंने ये देखा है कि ऑस्कर का जब फीडिंग का टाइम आता है तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, जो फीडिंग का टाइम आता है तब थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। तो आपको एग्रेशन को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, उसको फीडिंग टाइम में दीजिए और टैंकमेट थोड़ा सा वाइजली चूज़ कीजिए। जैसे अगर आप सेंट्रल अमेरिकन में पढ़ा रहे तो जो आपका ये हो रहा है ना कि टैंकमेट जो है तो देख के रखिए, क्योंकि ऑस्कर का एक टेंडेंसी रहती है कि उसका मुँह में जो आता है वो वही खा लेता है। अगर आप एक छोटा सा कोई चिचलीट के साथ अगर रखेंगे साउथ अमेरिकन, कोई छोटा सा जो आपका कोई भी छोटा सा कोई वैरायटी का कोई चीज़ जैसे आपका नहीं होना कड़ा या फिर जो छोटा होता है, अगर इससे ज़्यादा साइज़ ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि सोचिए कि ऑस्कर का 5 इंच साइज़ है और आपका उस चीज़ का साइज़ है 2 इंच या फिर 2.5 इंच, तो अब थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, तो अब थोड़ा बहुत रिस्क हो जाता है, एक साथ रखने में प्रेफर नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट सेम साइज़ का टैंकमेट सके ऑस्कर के साथ तो वही अच्छा होगा। और वैसे कुछ नहीं है, टैंकमेट्स में आप ग्रीन टेरर रख सकते हैं, वेजर्स रख सकते हैं, और उसके बाद रेनबोज, मैंने पर्सनली मैंने रेनबो रखा है, आप देखिए एक रेनबो रखा है और एक चॉकलेट चिचड़ी है आ गया, आप देखिए वहाँ पे मैंने रेनबो रखा है और चॉकलेट चिचलीट्स है। तो आप टैंकमेंट्स इसमें भी ले सकते हैं, वेजर्स दे सकते हैं, या फिर टैंक में देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा बहुत सारा स्पेस खाली है, इसमें मैं अभी भी मैं फिश डाल सकता हूँ। यहाँ पे अभी ये सब जुबेनाइल में ही है, जो रेनबोज है वो भी जुबेनाइल है, और ऑस्कर जो है सेमी एडल्ट ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि 4 टू 5 इंच साइज़ हो गया है ऑस्कर्स का भी मेरा, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये ऑस्कर मैंने लिया है। ये ऑस्कर मैंने लिया मैक्सिमम 4 टू 5 मंथ्स हुआ ये ऑस्कर मैंने लिया है। तो आप देख ही सकते हैं इसका साइज़ कितना बढ़ गया है इतना सा टाइम में ही, 4 टू 5 इंच हो गया है, मतलब 2 2.5 इंच लिया था मैंने तो डबल साइज़ हो गया है 3 4 मंथ के अंदर या फिर 5 टू 6 मंथ्स के अंदर। तो ऑस्कर का ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए, एग्रेशन रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है टैंकमेट्स में, तो फीडिंग टाइम में दीजिए, फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, सम फिल्टर यूज़ कीजिए या फिर आपका टॉप फिल्टर है तो उसको यूज़ कीजिए। और मेरे जो 5 पॉइंट्स है उसको बार बार फॉलो कीजिए कि ये क्यों, इसका वाटर क्वालिटी को पैरामीटर्स को मेंटेन कीजिए, पीएच न्यूट्रल रखिए, मतलब 6 टू 8 के बीच में न्यूट्रल रखिए, पीएच को रखकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, वाटर क्वालिटी को थोड़ा मेंटेन कीजिए, जैसे आपका फिल्ट्रेशन अच्छा दीजिए, और वाटर को जितना हो सके कि नॉर्मल नेचुरल रखिए, पीएच मीडियम जैसे मैंने बोला 7 टू 8 रखिए, फिल्ट्रेशन अच्छा दीजिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा तो वो लोग भी हैप्पी रहेंगे, आपका जो भी मछली है वो हैप्पी रहेगा अगर क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा तो। और क्वालिटी तो आपको देख लेना पड़ेगा, देखिए क्वालिटी बहुत सारा इंडियन मार्केट में, इंडिया में ऑस्कर रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लास्ट 2 3 ईयर्स से सालों में बहुत ज़्यादा 2 3 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया ऑस्कर। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का ऑस्कर आपको मिल जाएगा, जैसे टाइगर है, कॉपर ऑस्कर, इम्पोर्टेड जो ब्रीड्स होते हैं जैसे रेड चिली ऑस्कर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड होते हैं, इंपॉर्टेंट ब्रीड और कॉस्टली भी होता है बहुत ज़्यादा, मैंगो ऑस्कर से लेमन ऑस्कर आता है, वो भी थोड़ा कॉस्टली आता है, येलो और वाइट का मिक्सचर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑस्कर का स्पेसिस है, तो आप इसको अब मैच करके मिला जुला के आप रखिए ऑस्कर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 ही रखिए टैंक, अगर आपका कम्युनिटी टैंक है तो बस 2 ही रखिए, और क्योंकि ऑस्कर से अगर ज़्यादा रहेगा तो खुद का बीच में कभी कभी मारपीट कर देते, कभी कभी मारपीट करते हैं तो एक को एकदम गहरा चोट लग जाता है, बहुत ज़्यादा उंडेड हो जाता है, तब जाके उसको बचाना
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे इश्यूज आता ही है। और देखिए मैं अभी भी वीडियो करते करते मैं कभी कभी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये मेरा कोई दूसरे मस्जिद को काट ना दे या फिर कोई अचानक से अटैक ना कर दे। वैसे भी ऐसा होता नहीं है कि कैजुअली वो लोग अटैक नहीं करते दूसरे कोई टैंकमेट्स को, मगर फिर भी कभी कभी ऐसे इशूज आता है, ऐसे इशूज होता है, तो तब तो देखना ही पड़ेगा। और फीडिंग मेंटेन कीजिए, आपका फिल्ट्रेशन मेंटेन कीजिए, और टैंक में ओवरऑल जो बैलेंस है फिल्ट्रेशन और एयरेशन मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऑस्कर्स का जो ब्रीदिंग का है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब साइज़ बड़ा होता है, तो उसका ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग का जो रेट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो टैंक में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा रखिए, बस ऐसा ही। तो आप बस इस पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसको मेरा कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी इंक्वायरी हो कि मुझे ये जानना है वो जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और आप अगर पहली बार मेरा चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो एक काम कीजिए, जाके नीचे जाके मेरा लाइक बटन को दबा दीजिए, इस वीडियो में जो लाइक बटन है इसको दबा दीजिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाते हैं, तो मुझे भी समझ में आएगा कि ठीक है चलो मेरा नया जो व्यूअर्स है वो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, वो लोग लाइक कर रहे हैं। और कोई भी अगर आपका कमेंट हो वीडियो के ऊपर तो उसको भी आप कमेंट में बोलिए कि वीडियो ऐसा हो रहा है, वीडियो अगर ऐसा होता तो थोड़ा अच्छा होता। मैंने कोशिश किया इस वीडियो को जितना छोटा मैं आपको बोला जा सके उतना छोटा में ही मैंने बोल दिया, 5 पॉइंट्स में। अब इस पॉइंट्स को फॉलो कीजिए तो आप डेफिनेटली एक ऑस्कर का आप बहुत आराम से रख सकते हैं, बहुत हैप्पीली रख सकते हैं, टोटल इसका लाइफ स्पैन आप रख सकते हैं, एक ऑस्कर 5 to 6 या 7 ईयर्स तक भी बच सकता है, इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो आपका सेंट्रल अमेरिकन जो मॉन्स्टर जो चिचलिस होता है ये बहुत दिनों तक बचता है, कैप्टिव ब्रीड में कभी कभी थोड़ा सा कम ही बचता है, क्योंकि फीडिंग का कभी कभी इशूज होता है, तो ब्लोटिंग हो जाता है, व्हाइट स्पॉट डिजीज हो जाता है, बहुत सारे फिशेज का डिजीज़ है, तो उसके बारे में मैं एक नया वीडियो में आपको बोलूँगा कि क्या क्या कॉमन डिजीजेज है और उसके क्या ट्रीटमेंट है, एकदम ईजी ट्रीटमेंट है, बिल्कुल फ्री में, कोई ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में ईजी ट्रीटमेंट है, या फिर थोड़ा बहुत मेडिसिन देकर क्या ट्रीटमेंट है, तो उसका एक दूसरा वीडियो बनने वाला है। तो ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और कोई भी अगर इश्यूज़ है आपका टैंक रिलेटेड तो उसको मुझे बोलिए, अगर मुझे कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे इश्यूज मुझे लगा कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो करना चाहिए तो मैं ज़रूर उसमें से कोई एक इशू को लेकर उसके ऊपर मैं नया वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तो चलिए देखते रहिए चैनल को, दूसरा जो वीडियोस है मेरा गैलेक्सी रिलेटेड वीडियोस और मेरा टैंक सेटअप में एक मैंने एक नया जो चीज़ लिया था ना चॉकलेट चीज़, उसका भी मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो किया था, उसको भी जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर में दे दूंगा, तो देखिए बस। और बाय आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके बाय गाइस।